राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, बहुत ठंड हो रही है, जनवरी का महीना है। फ्रेंड्स, बड़ों के लिए तो अब काफ़ी डिजाइन, स्वेटर, जर्सी, मोजे सब हो गए हैं। तो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना हम भगवान जी की भी ड्रेस बनाएं। और वैसे तो हम भगवान जी की ड्रेस क्या बना सकते हैं, क्योंकि यही हमें सब कुछ देने वाले हैं, करने वाले हैं। इन्हीं की इच्छाओं से पूरा संसार सृष्टि चली रही है, जैसा कि सभी को पता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं माता रानी की ड्रेस आपको दिखाना चाहती हूँ। मतलब पूरी ही ड्रेस मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत ही फिटिंग का ध्यान रखते हुए बनाई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सभी भगवान जी के जो छोटी मूर्ति है उसकी भी फिट है। सबसे छोटी मूर्ति मेरी ये है, देखिए ध्यान से देखिए। इनकी भी मैंने ड्रेस देखिए बिल्कुल फिट बनाई है, और ये भी बिल्कुल फिट है, ये भी फिट है, ये भी फिट है। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता जी हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं माता रानी से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बनाई भी माता रानी की ड्रेस थी कि जो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। माँ का ये लहंगा है, देखिए जैसा आप देख रहे हैं। पहले मैंने लहंगा बनाया था, फिर मैंने सोचा अगर हम चुंदड़ी नहीं बनाएंगे, शॉल नहीं बनाएंगे, तो माँ की ड्रेस अधूरी रहेगी, क्योंकि माँ को कैप तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ शॉल में ही प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, देखिए जैसे कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो आइए मैं इसको आपको ये माला हटा के आपको दिखाती हूँ। अगर आपकी माता रानी भी इतनी बड़ी हैं या और भी बड़ी हैं, तो आप इसी डिज़ाइन में माँ की ड्रेस ज़रूर बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये मैंने माँ का शॉल बनाया है, माता रानी का। देखिए ये कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, देखिए जो बनाने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और प्यारा भी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपकी माता रानी थोड़ी बड़ी हैं, तो आप शॉल बड़ा बना सकती हैं। और ये मैंने माँ का देखिए लहंगा बनाया है, इसमें मैंने 35 फंदे डाले थे यहाँ पे, फिर ये मैंने उल्टा उल्टा बनाया है सभी भगवान जी की ड्रेस, क्योंकि अगर हम सीधा या कुछ और बुनाई डालते हैं तो उसमें सिकुड़न सी रहती है, वो सफाई नहीं आ पाती और फिटिंग भी नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 35 फंदे डाले थे माता की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरी लास्ट वाली सिलाई आई है उस पर मैंने थोड़े फंदे घटा दिए हैं। जैसे कि हमारे 35 हैं, तो आप 20 भी कर सकती हैं, 25 रख सकती हैं, जितनी हमारी माता जी का ये घेर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें एक फ्रिल भी आ गया है बिल्कुल बीचों बीच। फिर मैंने इसमें एक डोरी बनाते हुए इसको पीछे से बिल्कुल फिट कर दिया है। आइए आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल फिट है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। फिर मैंने इसमें कंगूरा बना दिया है, तो इससे और ज़्यादा फिनिशिंग और बहुत रौनक सी आ गई है, सुंदरता सी आ गई है। देखिए अब मैं इस माता जी को माला पहना देती हूँ। देखिए माला पहनने से भी भगवान जी की एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही सुंदरता है, जो कि अगर हम भगवान जी की माला उतार देते हैं तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ चीज़ रह गई है पहनाने से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने विष्णु भगवान जी का शॉल बनाया है, जो कि ये भी मैंने बहुत फिट बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने एक डोरी लगाई है, कुंगूरा मैंने सब में बनाया, तो देखिए कितना फिट है आगे से भी और पीछे से भी। अगर फ्रेंड्स आप इसको कुछ भी सीखना चाहें, तो मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे जाकर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।